अररिया ईदगाह चौक से डमहेली बांसवाड़ी के रास्ते में कल दिनांक 29 जून 2020 को बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ा। अररिया से घर जा रहे एक युवक उसी रास्ते से अपना घर जा रहे थे। सड़क पर ज़्यादा पानी होने के कारण ऐसे में पता नहीं चल पा रहा था गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। अचानक पानी का तेज़ बहाव होने से लड़के ने अपने आप को संभाल नहीं पाया और पानी के सुपुर्द हो गया। लोगों में इस बात की खबर मिली और प्रशासन को सूचना भी दी गई। आज दिनांक 30 जून 2020 को दिन के करीब 11 बजे युवक के शव को पानी से बाहर निकाला गया और परिवार वालों को सौंप दिया गया। ऐसे में सरकार का रवैया बहुत ही ढीला पड़ता जा रहा है। जो भी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, सरकार ने किसी भी तरह का निरीक्षण नहीं कराया है, न ही आने जाने के लिए नाव मुहैया कराया है। ऐसे में सवाल तो सरकार पर खड़ी होती ही है कि इतनी लापरवाही आखिर सरकार क्यों दिखा रही है। सिर्फ कागजों में ही सुशासन की सरकार नज़र आती दिख रही है। क्या समाज में गरीब तबके की जान की कोई कीमत होती है या नहीं, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर कैसे एक 18 साल के युवक की जान बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। प्रशासन को कल ही इस घटना की सूचना दे दी गई थी, फिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। कैमरामैन मुजमिल याजदा के साथ रिपोर्टर कृष्णा आनंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंसारी पिता सज्जाद अंसारी जो खरियावर्ती वार्ड नंबर 11 के निवासी थे, वो 18 वर्ष का लड़का अपना मोटरसाइकिल से पार करने नदी को पार करने के क्रम में उनका गाड़ी जो है पानी में डूब गया और मोटरसाइकिल उस समय जो उपस्थित लोग थे मोटरसाइकिल उनका खोज कर निकाल लिया गया, लेकिन उनका बॉडी अभी तक नहीं मिल पाया है। लगातार नागरिक के द्वारा जो खोजा जा रहा है प्रतापगढ़ के द्वारा, और अभी तकरीबन समय 4:30 बजने चला है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से यह घटना घटी आई। आगे जो ये स्थिति बनी हुई है तो इस तरह से अस्थायी इसका क्या निवारण है, मतलब इस तरह से हर बार जो कोसी नदी का जो ये पानी आ जाती है इस बार जो है तबाही हर साल होती है, इसका अस्थायी निवारण क्या है सियाई साहब, उसके बारे में बताएं। शासन को इसके बारे में कुछ करना है देखते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि नदी के दोनों साइड से बांस का कम से कम बैरिकेडिंग लगा दें और रस्सी लगा दें, चिन्हित कर दिया जाए, सड़क का पता चल सके। सड़क में कम पानी रहने की स्थिति में लोग आते जाते हैं, उसी क्रम में आज ये घटना घटी है। और उसके बाद जो ये बहुत सारे बच्चे यहाँ उपस्थित है, तो ये बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बच्चे जो है काफी जो है इधर इस पार से उस पार जा रहे हैं, बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ये लोग जाएंगे उधर कि नहीं, सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग अपना घर चले जाए, यहाँ पर रहने से कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया है पानी में जाने के बाद इस तरह का घटना होता है। आगे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं उधर से? हम लोग तो देखने गए हैं। और कहाँ तक पानी है, सैलाब कहाँ तक भरा हुआ? 1.5 किलोमीटर तक है। अच्छा अच्छा, आगे भी क्या आवागमन में हो रही है क्या? अभी की नाव चल रही है? नाव चल रही है। अच्छा, देख पा रहे काफी परेशानी हो रही है और देख पा रहे दूर दूर तक, और बहुत सारे जगह पे रोड पूरी तरीके से डूब चुका है और जल सैलाब देख पा रहे किस तरह से भरा हुआ है जो है। और सारे जो है बच्चे जो है काफी उत्साहित है यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं बगल के गांव से जो है। आप लोग लोकल हैं यहीं पे? और ठीक है, तो क्या क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, क्या इस बार ये जो बाढ़ की स्थिति हर बार आती है यहाँ पे जो है? अच्छा अच्छा, तो क्या और क्या मतलब सरकार से क्या अपेक्षा करना चाहेंगे जो है? अस्थाई उपाय निकलना चाहिए। अच्छा, हमारे बीच जो उपस्थित है सामाजिक कार्यकर्ता राजेश गुप्ता, कि सर यहाँ आइए, आगे आ जाइए, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो हर बार इस तरह से स्थिति बन जाती है? कई गांव जो है, और क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहना है? कई गांव का संपर्क शहर से टूट जाता है, काफी आवागमन में असुविधा होती है, अस्थाई उपाय क्या है इसका? यहाँ का प्रशासन की नाकामी है और सरकार की नाकामी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसान सर चलिए, हमारे बीच नवीन जी हैं। नवीन जी थोड़ा पूरा से वीडियो लेकर के भेज दीजिए पंकज। और देख पा रहे हैं काफी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है फ्लड को देखने के लिए जो है। आप कहाँ जाना चाहते हैं सर?
मैसाकोल जाना चाहते हैं। मैसाकोल क्या बाइक से जा पाएंगे आप? बड़े मुश्किल से देख रहे हैं, हादसा भी हो गया एक तो यहाँ पे। हादसा हो गया, एक बच्चा जो है डूब चुका है। इस हालात में आप नहीं जा पाएंगे इस पार से उस पार? उस पार को जाने का कोशिश करेंगे, काफी भीड़ भी लगा हुआ है, ऐसे देख रहे हैं पानी का। अच्छा, आप देख रहे हैं वो वस्तु स्थिति आप देखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बीच उपस्थित है मोहनपुर के निवासी जो है सुरेंद्र कुमार मंडल। हाँ, या आप क्या कहना चाहेंगे जो है सरकार से? काम स्लो चला है, जैसे दमहली के इस पार उस पार जो है स्लो काम चला, जिसके कारण पुल नहीं बन पाया, वहाँ पर आवागमन में असुविधा होती। बट यहाँ पे पुल तो वहाँ तक है, लेकिन यहाँ रोड आपका पूरी तरीके से डूब चुका है। जो गया तो गया, उसको जाने दीजिए। रोड थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, पुल तो सही होना चाहिए। इसमें रोड ऊंचा होना चाहिए और पुल होना चाहिए नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बीच जो है बहुत सारे युवा पीढ़ी भी है। Thank you.